हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मेहताब आलम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोटिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, ये बोटिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जब तक डेस्कटॉप नहीं आ जाता तब तक उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, मतलब बीच का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब देखिए, इस बूटिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानते हैं। जिसमें पहला है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेट। दोस्तों, इस प्रोसेस में होता यह है कि कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, जो भी डिवाइस लगे होते हैं, उन सभी डिवाइस को पावर ऑन करता है। उसके बाद ये चेक करता है कि सही से काम कर रहा है या नहीं। अगर उस डिवाइसेस में कोई फॉल्ट होगा तो स्क्रीन पर एरर मैसेज शो होने लग जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होती है तो कीबोर्ड में लाइट जलती है और फिर बंद हो जाती है। वो पोस्ट का ही काम होता है। वो पोस्ट पहले चेक करता, पावर ऑन करता है, उस पर चेक करता है कि सही से काम कर रहा है या नहीं, इसलिए वो लाइट शो होती है। दोस्तों, ये पोस्ट नाम का जो प्रोसेस है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये प्रोसेस तभी होता है जब मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ये तीनों ठीक ढंग से काम करेगा, तभी ये प्रोसेस हो पाएगा, वरना नहीं। और मदरबोर्ड के अंदर बायोस का होना भी बहुत जरूरी है। अब बायोस क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वैसे थोड़े से एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। बायोस एक सॉफ्टवेयर है और आप इसे फर्मवेयर भी कह सकते हैं। इसका काम ये होता है कि कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स पार्ट्स है कंप्यूटर का बोट कराने के लिए, उन सभी पार्ट्स को ये चेक करता है कि ठीक ठाक से लगा हुआ है नहीं। अगर ठीक से लगा होगा तो ये इन्फॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर को देता है कि हाँ, सब चीज ठीक ठाक है, आप जो भी फाइल्स है बोट कराने के लिए वो रैम में या फिर बूट लोडर में आप लोड करा दो। अब देखिए, कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए तीन फाइल्स की जरूरत होती है, जिसमें पहला है command.com और दूसरा है ms-dos-sys और तीसरा है io.sys। आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। दोस्तों, ये तीनों फाइल्स ठीक ठाक से रहेगा तभी रैम में लोड हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए टेक्निकल मेहताब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।